और काम पड़े बात पार्किंग के साइड है हाँ। तो वो लोग का ऑर्डर रखे हुआ था वहाँ पे हाँ। तो मैं ऑटो पीछे लिया थोड़ा ऑटो पीछे लिया तो उन लोग उनकी एक पर्सन आया ऑटो के पीछे ले रही बेको हट रहा तू बेको हटा रहा कौन परमिशन दिए थे ऑटो हटाने के बोलते बोले तो मैं गाड़ी पार्क करना है मेरी बोल के मैं बोला था ऑटो ने हटाना बोल के बोले तो पीछे से उनके तीन चार जने पूरे घर की जो जगह थी किसके घर की जगह थी वो हम लोग की पार्किंग है आपकी पार्किंग में आप ऑटो हटा रहे तो लोग मार दिया जी हाँ वो लोग मार दिया चीज हमारे हम लोग के हाथ में कुछ था तो मेरा ऐसा हाथ से फट गया थोड़ा आपकी कोई दुश्मनी है उन्होंने पुरानी कुछ भी नहीं है उन्होंने कुछ ताल्लुक ही नहीं है हम लोग ऐसे ऑटो रखे बोल के मैं ऑटो हटाया था उनके बाइक पार्क करने के लिए तो आगे मारे उन लोग हाँ उनके बच्चे पीछे से गालियां दी गाली कितने जने मारे लोग छह सात जने थे पूरे में किस चीज से मारे कुछ शार्पनेस थी उन लोग के हाथ में कुछ शार्प चीज थी उससे पहले भी कभी मारे थे उन्होंने आपको उससे पहले सिर्फ गालियां देते थे ऑटो रखते हमारी जगह है ये तुम्हारा कब्जा करे वगैरह वगैरह बातें करते थे तो अभी भी वही रीजन पे उन लोग लड़े उन लोग को जब होना बोल के बोल नामा क्या कहा है तुम्हारे से एक का नाम हैदर है एक का नाम मुख्तार है एक का नाम हैदी है और उनके दो बेटे हैं तीन बेटे हैं एक अल्लू बोल के है निकले उनका और एक का नाम जैन है एक का नाम अब्बू है निकले हाँ ये लोग इतने जने पूरे बीते मारे और अब्बू जैन के फ्रेंड सर्कल में भी पूरे फ्रेंड्स आके मारे उन लोग मेरी तरफ से मैं अकेला था घर के पास जी हाँ पार्किंग के पास मेरी गई कहाँ हुआ ये हादसा ये जीएम क्लिनिक के पास है जीएम क्लिनिक मतलब डेली वहाँ पर बैठ के गांजा पीते ड्रिंक करते उन लोग वहाँ पर तो आप इतने दिन से बोले नहीं आज बोलने की वजह गांजा पीते बोले तो आज बोलने की वजह आज लोग मेरे ऊपर ऐसा हमला करे उन लोग तो नहीं बोलूंगा तो फिर ना कभी मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्यों बोलते मैं अकेले आता हूँ वहाँ पर अकेले आता हूँ अकेले जाता हूँ वहाँ पर अकेले रहता हूँ कभी डैडी ड्यूटी पे रहते कभी घर पे रहते गांधी के नशे में थे लोग अभी जी उन लोग डेली का उन लोग की रूटीन वही है वहीं पर बैठे हुए थे मस्जिद के लोगों को भी आने जाने तकलीफ होती परसों भी एक लड़ाई हुई थी इब्राहिम भाई प्लम्बर आप लोग से हुई थी नहीं हम लोग से उन लोग की दूसरों से हुई थी जी हाँ मस्जिद के नेबर से मस्जिद के बाजू के उन लोग से लड़ाई हुई थी उन लोग की लेडीज घर के निकले थे तो उन लोग गालियां दे रहे थे सिर्फ इब्राहिम भाई गाली मत दो बोले तो उनको भी मारे उनको भी पूरा ऐसा फट गया था कंप्लेंट हुआ था इससे पहले उन लोग खामे बैठ गए थे अच्छे लोग नहीं है जान आप कंप्लेंट करें अभी जी हाँ हम कौन से पीएस में करें आप क्या बोले पुलिस वाले कहाँ है आपके प्रेजेंट ठीक है लोग नशा करते साहब डेली नशे में रहते उन लोग को अब छोड़े तो उन लोग कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकते क्यों मेरे तो नशे की आदत में लोगों को कभी भी कुछ भी मालूम नहीं रहता उन लोग क्या करते उन लोगों को खुद को नहीं मालूम है अब उन लोग को अब छोड़े कमिश्नर साहब तो उन लोग नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करते और पेट्रोलिंग भी कराना जरूरी है वहाँ पर ऐसे ही करते रहते वो लोग अब उन लोग को बोले सर उन लोग मेंटली हेल्थ का सर्टिफिकेट बताते मेंटल है बोल के ऐसे मेंटल लोग रहते सर हम जैसे लोगों की जान चली जाती अब ऐसे लोग की कुछ तो कार्रवाई होना ना सर उन लोग अगर मेंटल बताए सर्टिफिकेट तो क्या चाह रहे आप उन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में डालिए सर ऐसा फिरने की इजाजत क्या है नहीं रहना उन लोग मेंटल है तो मेंटल हॉस्पिटल में डालिए उन लोग को ऐसा मेंटल है तो हम लोग को मान लेते फ्री वो लोग इन लोगों के ऊपर कुछ केसेस है क्या ये लोग के बहुत सारे केसेस है इन लोगों का रिकॉर्ड चेक करिए आप लोगों आप लोग रिकॉर्ड चेक करिए मालूम होता है उसके बाद में मेरा भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप लोग आप क्या काम करते हैं मैं स्टूडेंट हूँ मैं मदरसे में पढ़ता हूँ ठीक है